अन्नपूर्णा कौन है? पार्वती भिक्षाम दे। शिव जी भिक्षा मांगते हैं पात्र में, तब अन्नपूर्णा भोजन देती, तब शिव जी ग्रहण करते हैं। बोल आय भिक्षा दे। पात्र जैसे आगे किया अन्नपूर्णा भोजन, महाराज पहली रोटी मांग लेते तुम खावे के लाने, इतनी देर से लेट। बोले आज भोजन नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले मेकअप बॉक्स उठा के ला अपना। महाराज भांग भांग ज्यादा पी ली, का करोगे? बोले मेकअप भी लेके आओ साथ में, एक बढ़िया वाला जो तूने शादी के समय पहना था ना लहंगा, वो वाला लेके। पति सब कुछ भूल जा लेकिन शादी के दिन वाली साड़ी कभी नहीं भूलता। बोलते जो बर्बादी का दिन यही थे, वो कभी नहीं भूलते। आजकल तो भूल जाते क्योंकि किराए से लेके आते, पहले परमानेंट थे। वो तो शाम को क्लास लग जाती, उसकी टेंशन नहीं। बोलो राधे राधे। जितने ध्यान से सुनने सुनते उससे ज्यादा वो सुनती है। पंडित जी तो घर के ही है ना, तो फिर वहां पर तो शाम को तो क्या बोलते, लहंगा भी ला। अब मैया गई जल्दी से लेके आई, लहंगा लेके आई, अपना जो है चूनर लेके आई, मेकअप बॉक्स लेके आई, सब कुछ लेके आई। अब शिव जी बोले पहना। मैया बोली महाराज आज तो नंदी ने लग रहा है बूटी में और कुछ भी मिलाया है, आज बूटी बहुत ज्यादा चढ़ गई, तुम क्या करोगे इनको पहन के? बे तू पहना तो। अब मैया क्या करे, भोलेनाथ जी को लहंगा बांध रहे। शिव जी का तीन बार श्रृंगार हुआ है, पहला भूतों ने, दूसरा देवताओं ने, और आज मैया पार्वती शिव जी का पति का श्रृंगार करे। कभी कभार कर दिया कर। हाँ पति बहुत ताने मारे मारे, बोले कहीं शादी में जाना हो ना कहीं पार्टी में जाना हो तो ताने मार, तेरे को 2 घंटे लगते, एक आध दिन पहना के दिखाओ ना सारी चीजें। बोले अब बताओ कितना समय लगता है? सहजता है, एक पेंट फंसा है सेट आ गए, और बटन तो गाड़ी में बैठते बैठते ही लगा लेते हैं देवता लोग, लेकिन देवियां ऐसा सोई कर सकती है? उन्हें तो पूरा 16 श्रृंगार करना, एक दो भी नहीं तो समय तो लगेगा। तो जब तुम्हारे पति ताने मारे ना तो एक दिन बैठा रहे उन्हें अच्छे से करवा दो, लेकिन मेरा मत बताना, नहीं तो भी मेरे पास आ जा लड़ने के लिए। महाराज जी मुसीबत और कथा तो सुनाई सुनाई, हमारे पीछे मुसीबत और लगा दी। मैया ने लहंगा बांधा, चूनर उड़ाई। अब देवियों के होते हैं केस 15-20 मिनट में सुलझ जाते हैं, बाबा की क्या है वो सुलझने वाली है नहीं। अब क्या करें महाराज? बोले एक बढ़िया सा गोल गोल, जैसे भूतों ने लपेटा ना ऐसी बाबा का मैया ने लपेट। अब देवियों की अगर झूठा भी बांधती है तो यहाँ पीछे बनता है, ऊपर नहीं बनता है, लेकिन बाबा की क्या है जटा है तो पीछे बन ही नहीं रहा, ऊपर बन रहा। अब चूना राय महाराज तो एक तो पहले 3 फीट ऊपर चूना रहे क्योंकि जटाएं ऊपर तक हैं, और फिर वहां से नीचे पल्लू आना है, नीचे घूंघट आना है। अब आंखन में काजल लगाया, काजल ठीक है महाराज लग गया। अब औंठन पे लाली कहां लगाए, मूछे हैं महाराज। बाबा बोले नहीं श्रृंगार तो सूल ही होना चाहिए। अरे गोपी बनना है तो जब पूरा ही बनो महाराज, अधूरी गोपी बन के का मतलब? बढ़िया सी चूड़ी पहने, पैर में पायल भी पहन दी है, पैर की उंगलियों में सुहागन स्त्रियां जो होती बिछिया लगाती है, बांधती ना बिछिया, कुमारी कन्या है नहीं कौन, बाबा ने बिछिया भी बांधी। मैया बोलती है कर का रहे हो महाराज, बोले तू तो करती जा। वो जो कमी लगती ना वो पार्वती के ऊपर देखते, इसने कहां पे क्या पहना हुआ है, सेम टू सेम बोलते मुझे भी ऐसी पहन। अब मांग मांग भी बननी है, या बाबा की तो यहीं से जटाएं बांध दी हैं। बोले मांग, बोले तू ऊपर से लगा सिंदूर, यहां से लेके ऊपर तक पूरी जटाओं में आखिरी तक। मैया बोलती मैं लेट हो रही हूं। चुप तो रहे तू, लेट हो रही, मैं भी चल रहा हूं। पूरा श्रृंगार हुआ चकाचक। बाबा से मैया ने के मूछे तो हटा दो, बोले नहीं ये तो पुरुषों की शान है। बोले तुम गोपी बने हो, बोले कोई बात नहीं, एक गोपी मूछों वाली भी चली चली। और हर दूसरे मिनट में मैया अपनी चलो ना लेट हो रही, बोले श्रृंगार तो करा लो।
हमारा घूंघट हो गया, लाली लग गई, आज बिच्छू नहीं है कान में, आज बढ़िया से सोने के गोल्ड के झुमके हैं हमारे। नासिका से लेकर जटाओं तक नथनी है हमारा, गले में मंगलसूत्र भी है और हार भी है हमारा। आज रुद्राक्ष नहीं है, आज मुंडों की माला नहीं है, आज क्या है बोले आज स्वर्ण जटते रत्नों की माला भगवान भूत बावन धारण की। मेकअप पूरा कंप्लीट, गोपी पूरी तैयार। अब गोपी जैसी ही आगे बढ़ी, अब पुरुषों की चाल और माताओं की चाल में फर्क होता है। अब देवियां बड़े धीरे धीरे कदम मर्यादा में रखती हैं, देवता हमारा धरती हिल जाए जब ये चले धम्मे धम्मे धम्मे। और जैसी मैया ने चार कदम बढ़ाए, वो चार कदम मैया आगे बढ़े, शिव जी ने एक कदम में ही पूरा कर लिया। बोले जे क्या करो, वो चल तो रहा, ऐसे चलो तो पकड़ जाओगे, पकड़ में आ जाओगे, अंदर जाने को नहीं मिलेगा। पुरुषों की चाल और देवियों की चाल में अंतर। चार कदम आगे बढ़े, रुक गए, मैया ने रोका, धीरे धीरे चलो। कैसे? बोले मेरी मैचिंग के हिसाब से चलो, जैसे मैं चलती हूँ धीरे धीरे, मर्यादा में पैर रखो महाराज, चले। अब मैया फिर चार कदम आगे बढ़ी तो शिव जी ने पीछे से लगाई, आ भाई एक और रुक तो खड़ाई, भांग का गोला कहें, अब भांग का करोगे? बोले खाऊंगा ना, जब तो नाचूंगा। देवियां बिना नशा के नाच ले, लेकिन इनको देवताओं को जब तक मिले ना पौआ, जब तक ये बरात में ही ना जाए। बोले पहले डोज होना चाहिए, तब तो नाचना आएगा। अब भांग कहा है? मैया बोले बाबा बेसी आदेशी चढ़ी में घूम रहे हो, और चढ़ गई तो आफत हो जाएगी। और सुनो महाराज, तुम्हारी आवाज भी चेंज है, तुम्हारी आवाज गोपियों जैसी मिल नहीं रही। क्यों? अरे पुरुषों की आवाज भारी हो, देवियों की पतली हो, तो क्या करना? बोले तुम मुंह मत बोलना, मुंह मत बोलना। अरे फिर वहां पे कोई परिचय पूछेगा मेरा, फिर परिचय मैं दूंगी। अच्छा, अब मन में जरा विचार करो, गोपी कैसी होगी जिसके 3 फीट ऊपर जूटा लगा हुआ। लेकिन स्वभाव किसी का जाता नहीं, बाबा का गला वाला सर्प इधर उधर से ढूंढ के बाबा को पहुंची गया गले। और तुम भले छोड़ दो, हम ना छोड़ेंगे, हम तो गले वहीं बैठेंगे जाके। आ गंगा वंगा को सबको पार्वती ने उतार के नीचे रखा, सांप चुपचाप बैठा। बाबा बोले तू हिलना मत दादा, नहीं तो अभी पूरी कहानी फेल। महाराज में जैसे ही अंदर पहुंचे, बाबा भगवान श्री कृष्ण दरवाजे पे एंट्री कर रहे थे, कौन कौन आई अभी तक? ललिता आ गई, विशाखा आ गई, फलानी आ गई, जे आ गई, वो आ गई, सबकी एंट्री। अरे सबको बुलाया है ना, तो जरा चेक कर लें सभी आए कि नहीं। कलश यात्रा में चेक किया था ना, हमारे वाले पूरे हो गए कि नहीं। अरे का छूट जाए महाराज तो आफत हो जाए, हमें तो बुलाया और मिला ही नहीं। बाप परेशानी पहले तो बाबा ने सोचा पहले चेक कर लें कन्हैया ने, सबके नाम लिख रहे, पार्वती मैया गई। और जैसी मैया गई ना, तो कन्हैया को मन ही मन प्रणाम किया, कन्हैया ने प्रणाम किया मैया को, तो मैया निकल गई पीछे से बाबा। तो मैया का हाथ पकड़े, कन्हैया ने पूछा जे कौन है? बोले हमारे गाँव में नई नवेली आई है अभी, ज्यादा पुरानी नहीं है, 10 दिन पहले ही शादी हुई है इसकी। शिव जी बोले देवी तेरो नाम का है? का नाम तेरो? कन्हैया ने पूछा शिव जी से, देवी तेरो नाम का है? और शिव जी ने जैसी का सी वैसी मैया हाथ पकड़ी थी, उंगली जे वाली ऐसी मड़ो, तो मतलब बोला ना चुप रहना, अभी बोलोगे तो यहीं से बाहर जाना पड़ेगा। कन्हैया पूछे क्या हुआ, सी पे क्यों रुक गई? मैया पार्वती ने कहा इनका गैर फंसता है, बीच में खकलाती है जी, बोल नहीं पाती अच्छे, इसका नाम है शिवानी। अच्छा, देवी कौन से गांव से आई हो? और शिव जी की तो आदत पड़ी है ना हर चीज में बोलने की, क्योंकि अभी पहली बार अनुभव है। बोले ही मैया ने अब की बार कलाई मड़ो, मना किया ना। अरे प्रभु जाने दो ना, कितना पूछोगे कौन है कहाँ की है, जब तक तो अच्छा अच्छा नहीं बोले ठीक है जाओ जाओ, कोई परेशानी आपके साथ आइए जाने। देखिए भगवान
जैसे ही आगे दो कदम बढ़ी ना वो देवी, तो पीछे से उसकी चाल से समझ गए स्त्री नहीं है पुरुष है। हमसे हमारे सामने होशियारी, ठीक है रुक जाओ जरा। जैसे महाराज से आरंभ हुआ भगवान ने अधरों के ऊपर वंशी को धारण किया, और जैसी वंशी को धारण किया वंशी वजी, और जैसी वंशी वजी तो बाबा भोलेनाथ जी के कानों में वंशी पड़ी, और जैसी वंशी की धुन सुनाई दी तो भूल गए कि मैं गोपी बन के आया हूँ। वो क्या कर रहे हैं, बोले जटाग भी गलत ज्वलल पे गले वलम विलम, और जटाए फैल गई महाराज, चूनर नीचे गिर गई, और नीचे गिर कर बाबा भोलेनाथ जी उसे लेके नाचने लगे, गले में सर्प दिखने लगा। बाबा ने जब देखा, हे भगवान मेरी तो पुल खुल गई, सारी गोपियां शिव जी को देख रही। कन्हैया मुस्कुरा रहे बंसी को बजा के, बोले बाबा क्या हुआ, बोले महाराज मैं तो नाचने आया था, तो इस रूप में। बोले यहाँ पर बोर्ड था ना कि स्त्री ही आएंगे पुरुष नहीं आएंगे, इसलिए स्त्री बनने की कोशिश तो करी लेकिन बन नहीं पाए। तो कन्हैया बोले एक काम करो, आज नहीं बन पाए अब परमानेंट वृंदावन में वास करो, और परमानेंट गोपी बनकर भक्तों को दर्शन दो, और नित प्रतिदिन महारास में शामिल हो। और आज भी वृंदावन में गोपेश्वर भगवान विराजमान है, सुबह दूध दही घी इत्यादि से भगवान का अभिषेक होता है, और शाम के समय 4 बजे के बाद बाबा लहंगा पहनते हैं, पर डे लाली लगाते हैं, मांग भरते हैं, और रात्रि कालीन दर्शन किस रूप में होते हैं, बाबा की गोपी के रूप में। आज भी यह नियम चला है। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। ऐसी ब्रज की बहुत सारी लीलाएं। एक दिन की बात है कि नारद जी कंस के महल में गए, और कंस से कहा महाराज आप शायद भूल गए हो कि कृष्ण को मानना, मैं परसों आऊंगा और परसों मुझे समाचार मिलना चाहिए कि आपने कंस से मामा कृष्ण को मार दिया। और इधर कंस से कहकर भगवान के पास वृंदावन में नारद जी गए, और नारद जी ने प्रणाम किया और कहा कि महाराज परसों के दिन पापी कंस का उद्धार का समय निश्चित किया गया है, और परसों आप क्या करना है, पापी कंस को मारना, लेकिन महाराज भूल मत जाना आपका मामा है, नहीं तो आप याद करो कि ये मेरा मामा और उसे मारो मत, इसलिए इसका उद्धार होना बहुत जरूरी है। और उधर कंस से बोला लेने कौन जाएगा, बोले अक्रूर जी को भेजो महाराज। कंस ने अक्रूर जी को भेजा है, और जब अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन पहुंचे, वो वृंदावन में नंद भवन में उनका बड़ा स्वागत हुआ। रात्रि के 12 बजे अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा जो आपके घर में बालक है ना, जो आपके घर में लाला है, वो आपको तो पता ही है कि जे आपका पुत्र नहीं है, देवकी का पुत्र है। किसका पुत्र है? और माँ यशोदा दरवाजे के पीछे छुप कर इन बातों को सुन रही थी, और जैसे ही माँ को अक्रूर जी के शब्द सुनाई दिए, क्या बोले जे माँ देवकी का पुत्र है, वैसे ही यशोदा ने अक्रूर से आके कहा, हे अक्रूर तेरा नाम अक्रूर किसने रखा, तेरा नाम तो कूर होना चाहिए, तुझे पता नहीं कि ये देवकी का नहीं ये मेरा पुत्र है। देवकी के यहाँ पर 8वीं कन्या हुई, और उस कन्या को उस पापी कंस ने मारना चाहा, और जो कन्या थी वो आसमान में उड़कर अष्टभुजी देवी बनी, क्या तुझे पता नहीं है ये मेरा पुत्र है। अक्रूर जी ने बहुत समझाना चाहा, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। चलती फिरती मैंने अजा देखी है, क्या देखी है? चलती फिरती मैंने अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं मैंने माँ देखी है। जन्नत का तो पता नहीं है लेकिन मुझे माँ का पता है। जब छोटे थे ना बचपन में,
तो हम लड़ते थे, लड़ाई करते थे। क्या लड़ते थे? बोले माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। चार है ना, तो चारों लड़ते थे। गोदी में आके बार बार बैठते थे, नहीं माँ मेरी है। और जब बड़े हुए तो बोलते माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी। माँ को रखना कोई नहीं चाहे, पिता को बुढ़ापे में कोई अपने पास रखना नहीं चाहे। हम जैसे ही बड़े होते हैं तो हम सबसे पहले माता पिता का प्रेम भूलते हैं। महाराज कितने त्याग हमने किए हैं। माँ जैसा इस संसार में शायद कोई हो। अगर भगवान से पहले कोई है ना, तो वो माँ है जिसने भगवान का भी परिचय हमें कराया है कि ये भगवान है। वैसे माँ करा सकती है महाराज, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। वो बड़े खुश नसीब होते हैं वो बालक जिनके पास उनके माता पिता रहते हैं। महाराज भगवान को बार बार इस धराधाम पर अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? वह परमात्मा सबका पिता है, लेकिन उस परमात्मा को भी कि माँ की जरूरत पड़ी, तब उसने माँ के रूप में यशोदा देवी की कौशल्या के यहाँ पर जन्म लिया। माँ जैसा प्रेम कोई नहीं दे सकता। जब अक्रूर जी ने कहा कि देवकी का पुत्र श्री कृष्ण है, तो माँ फूट फूट कर रोने लगी, बिलाप कर रही। बिलाप करते हुए जब बिजवासियों को पता चला कि आज हमारे प्राण धन श्री कृष्ण को लेने अक्रूर आए हैं, तो रात्रि में सारे बिजवासी नंद जी के भवन में इकट्ठे हो गए। सारे ब्रजवासी शिव रो रहे हैं, अश्रुपात हो रहे हैं, क्योंकि आज से पहले कभी कृष्ण ब्रज छोड़कर नहीं गए। आज से पहले कभी भगवान नजरों से ओझल भी नहीं हुए यशोदा ब्रजवासियों। प्याता काल का समय हुआ, रात इसी है चिंता में निकली, कल भगवान जाएंगे। भगवान ने अक्रूर जी को बना भी किया था कि माँ को मत बताना, लेकिन नंद बाबा से बात करते हुए जब अक्रूर जी की बातों को यशोदा ने सुना, तो अपने आप को रोक नहीं पाई। प्याता काल हुआ, सारे बिजवासी रो रहे हैं, राधा रानी रो रही हैं, यमुना की किनार पर बैठकर अष्ट सखियों के साथ किशोरी विलाप कर रही है, रो रही है। कन्हैया सबसे पहले उठकर माता पिता को प्रणाम करके यमुना की किनार पर गए। सखियों के साथ की यानी राधा रानी जहां विराजमान है ना, वहां पर अष्ट सखियां रो रही हैं। चित्रलेखा, विशाखा, ललिता इत्यादि सब बैठ के बिलाप कर रो रही हैं, और हमारे बीच में बैठी हुई राधा रानी भी रो रही है। कन्हैया ने जाकर किशोरी जी के दर्शन करे, राधा रानी से कहा, हे किशोरी, आपसे एक वचन चाहिए। हे श्याम सुंदर, आपके लिए तो ये प्याण निछावर है, वचन क्या है? क्या वचन चाहिए आपको? इससे पहले कि राधा रानी कुछ बोल पाते, कन्हैया ने कहा, मुझे आपसे एक वचन चाहिए कि आज के बाद, इसी क्षण के बाद, आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं आने चाहिए। और इतना सुनते ही मेरी किशोरी, मेरी राधिका पत्थर हो गई। महाराज इस संसार में कोई चार दिन के लिए अगर मिलता और वो छोड़ के जाता है, तो हमारी आंखों से अश्रु धारा प्रभावित होने लगती है, हमारे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन कृष्ण और राधा एक शरीर एक आत्मा होने के बाद जब बिछुड़ रहे हैं, तो कन्हैया ने कहा, आपकी आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। किशोरी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन जैसे कृष्ण ने कहा,
वैसी किशोरी जी फत्तर हो गई महाराज, आंखें सूख गई उसी क्षण। कन्हैया कहते हैं, राधा रानी अब बिजवासियों को संभालने की, बिज को संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप बिज को छोड़कर कहीं मत जाना, इन बिजवासियों को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं, अगर आप भी इन्हें छोड़कर चली गई तो ये जीवित नहीं बचेंगे। महाराज राम जी के साथ जब सीता गई ना, तब दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। राम जी जा रहे हैं तो दशरथ जी ने सीता से कहा, बेटा तुम रुक जाओ, अगर तुम रहोगे तो शायद मैं जीवित रह भी सकूं, क्यों भगवान के साथ अगर भक्ति भी चली गई तो इस मनुष्य के तन का कोई मोल नहीं है। किनका? जो भगवान को अपना मानते। लाभ कर रही है राधा रानी। कन्हैया से एक निवेदन किया, हे श्याम सुंदर, आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, रोने के लिए मना किया है, अश्रुपात करने के लिए मना किया है, जीवन में कभी वापिस मिलोगे? जा तो रहे हो वो मुझे पता है, वापिस भी नहीं आओगे, तो क्या कभी इस जीवन में मिलोगे? जब तक ये सांसें हैं, इन सांसों में, इस शरीर में धड़कन है, क्या पुनः आपकी कभी नजरों से दर्शन हो पाएंगे? और जब इस प्रकार से किशोरी जी ने पूछ, श्याम सुंदर ने कहा, हे राधिका, हे राधे, 100 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, यहां तो अगर कोई प्रेम में है तो 1 घंटा बड़ी मुश्किल से निकलता है, और हमारे श्याम सुंदर किशोरी जी से, राधा जी से कहते हैं 100 वर्षों के बाद एक बार आपसे जरूर भेंट होगी। राधा रानी को समझा कर महल में आए, माँ यशोदा रो रही है, यशोदा को रोते हुए, सुबह का समय, दिन के 12 बज चुके हैं। अक्रूर जी ने कन्हैया से कहा, लाला जितने जल्दी हो वहां से मथुरा की ओर हम बढ़े, क्योंकि पापी कंस के दूध भी और आ सकते हैं, और बिजवासियों की ऐसी दशा हो रही है कि ज्यादा देर अगर आप रुके यहाँ तो ये सारे अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। कन्हैया ने माँ से जाकर हृदय से लगकर कहा, माँ मैया मैं आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों वापिस आ जाऊंगा, 1 दिन के लिए तो जाने देना, अब मैं बड़ा हो गया ना छोटा सा, अब मैं तेरा छोटा सा ला, अब मुझे भी थोड़ा बाहर का देखने देना कैसा होता है, ये आज भर सच्ची बता, तोरी सो आज जान दे, कल मेला देखूंगा और परसों सच्ची आ जाऊंगा, आज जाने दे। मैया ने बोली, लाला कैसे जाने दूं तुझे, तुझे एक क्षण भी मैंने अपनी आंखों से ओझल नहीं किया, और आज तू 3 दिन के लिए जाने का बोल रहा है, मैं नहीं रह पाऊंगी। कन्हैया थोड़े आगे बढ़े, मैया के चरणों में प्रणाम किया, और जैसी 4 कदम बढ़ाए ना तो मैया कहती है, यशोदा ने आवाज लगाई, लाला अब मुझे पता चल गया तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा, क्योंकि 1 दिन मैंने तुझे उखल से हाथ बांधे थे, उस हाथ बांधने का मेरा जो अपराध है, उसको अपराध को तू देखकर मुझे छोड़कर जा रहा, इसलिए तू जा रहा है ना, मैं तुझे डांटती थी, तुझे मारती थी, इसलिए तू मुझे छोड़कर जा रहा है।
भगवान ने सोचा अगर मैया की बात को सुनता रहा तो जा नहीं पाऊंगा, धीरे से जाकर रथ में बैठे। रथ में बैठकर एक कदम रथ बड़ा ही था, यशोदा कहती है कन्हैया अब पता चला तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है। आज तुझे पता चल गया है कि तेरी असली माँ तुझे जन्म देने वाली माँ देवकी है, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, इसलिए तू मुझे छोड़कर जा रहा है। और जैसे कन्हैया ने सुना, माँ ने कहा यशोदा कहती मैं सौतेली माँ हूँ, रस से नीचे कूदे भाग कर गए यशोदा के हृदय से लगकर। भगवान कहते मैया जिस देवकी के बारे में तूने कहा ना उसने जन्म लिया, उसको तो इन आंखों से आज तक नहीं देखा, मुझे नहीं पता वो कौन है। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं सबसे छोटा था मेरे हिस्से में मां। उन मां का प्रेम से मां ही जान सकती है। इस संसार में कितना भी धन कमा लो महाराज, कितना भी वैभव कमा लो, कितना भी ईश्वर कमा लो, लेकिन माँ का प्रेम जो है वो पैसे से नहीं मिलता, वो धन से नहीं मिलता है। इनकी कमी कब एहसास होती है, वो होते नहीं है। जब तक वो जीवित है ना हम उनकी वैल्यू नहीं समझते, हमें नहीं पता है, हम सम्मान नहीं करते। सबसे बड़ा धन क्या है, बोले सबसे बड़ा धन इस संसार में अगर कोई है तो वो सिर्फ माता पिता का प्रेम, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और इस पैसे के चक्कर में हम सबको भूल चुके हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा धन क्या हो गया, बोले हमारे लिए सिर्फ लक्ष्मी है। माँ रात में 12 बजे तक बैठकर इंतजार करती है जब तक तुम नहीं आ जाते, वो जागती रहती है। वो बिस्तर पे भी अगर है ना तुम नहीं हो ना तो वो करवटें बदलती रहती, मेरा बेटा कहाँ होगा, अभी तक क्यों नहीं आया, बार बार घड़ी चेक करती है महाराज। एक माँ है जो हमसे कभी खपा नहीं होती महाराज, वो जिनकी है ना वो सम्मान करो अपनी माँ का, क्योंकि हीरा ना होने का दुख किसको होता है जिसके पास हीरा ना हो महाराज। जिनके पास माँ नहीं है ना उनसे पूछो कि वो माँ कौन है। बच्चे का बड़ा अच्छा काम करके जब घर जाते हैं ना तो सबसे पहले माँ दरवाजे पर जाकर नजर उतारती है, मेरे बेटे को नजर ना लगे। कन्हैया ने माँ की आंखों के ऊपर से आंसुओं को पोंछा और आंसुओं को पोंछ कर कन्हैया कहते हैं तू कितनी अच्छी है, तू कितनी